نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين آج إن شاء الله هم سورة القصص آية نمبر 36 سے شروع کریں آه इससे पहले हम मूसल की वाक्य पढ़ रहे हैं और ये कहाँ तक पहुँचा था कि जहाँ पे मूसम को जो है लस ने तब अता की और फिर क्या था कि जब उनको नबौत अता की गई तो अब चूंकि उनको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई थी और ये कि जो है उनको मुजज़ात भी दिए गए उनकी मदद के लिए और लेकिन इसके बावजूद जो है हम देखते हैं कि मूसा सलाम को कुछ ख़दशात थे जो कि जिनका खौफ उनको लाक हो रहा था तो वो चीज़ भी उन्होंने अल्लाह के सामने बयान की कि मुझे डर है कि मैंने चूँकि उनके किबती का कत्ल कर रखा है तो हो सकता है कि वो मुझे इस में जो है वो कत्ल कर दें और फिर इसी तरह से कि मेरी ज़ुबान जो है वो यानी मेरा भाई जो है मुझसे ज़्यादा फंसी है और उसको भी मेरे साथ मेरा मददगार बना दीजिए और बेसिकली क्या था कि तीन चीज़ें थी के यानी एक तो उनको खुद अपने अंदर जो चीज नजर आ रही थी एक डर था खौफ था और उस चीज का भी उन्होंने इकरार किया और ये चीज भी हमने लर्न की थी कि अपने अंदर की कमजोरी को अपनी कमी को पहचानना चाहिए और ये कि उसका एतराफ भी करना चाहिए मानना चाहिए कि हमारे अंदर ये कमजोरी है और ये कमी है और ये चीज जो है अपनी कमजोरी को पहचानना और उसका इकरार करना बेसिकली ये ऐब की बात नहीं है बल्कि ये इंसान की क्वालिटी को शो करता है कि ये भी उसकी एक बेहतरीन खूबी है और यहां पर देखें कि उन्होंने यानी अपने भाई के लिए जो है एक तरह से सिफारिश की और ये चीज़ हमें पता चलती है कि उनके यानी इसकी वजह से अल्लाह सुबहाना ताली के सामने उन्होंने इल्तजा कि उनके भाई को जो है उनका मददगार बना दिया जाए तो अल्लाह सुबहना तला ने उनकी इस चीज़ को कबूल किया और हारून आसम को जो है वो नबूत अता की और इसके बारे में कहा जाता है कि यानी मूसा सलाम जो हैं वो भाई हैं जिन्होंने के बेहतरीन खैर की अपने भाई के साथ यानी एक भाई दूसरे भाई के साथ जितनी भी खैर कर सकता है जितनी भी भलाई कर सकता है तो उसमें से बेस्ट भलाई जो है वो मूसा अपने भाई के साथ कर गए कि अल्लाह सुबहना से उनके लिए जो है उन्होंने नबूवत को मांगा और इसके बदले में अब ये देखें कि यानी अल्लाह सुबहाना ने आ, जो है उनकी इन तमाम चीजों का जो है वो जवाब दिया और किस तरह से कि हारून सलाम को जो है नबोवत अता की गई और फिर ये इस बात की भी उनको यकीन दहानी कराई गई कि जो है उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा फिरौन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और फिर ये के यानी फतह जो है उन्हीं को मिलेगी अः मूसा सलाम और हारून सलाम और उनके मानने वालों के लिए और फिर क्या था यानी अब ये सारी जो उनको तसली दी गई और यकीन दहानी कराई गई तो इन तमाम चीजों के बाद क्या है कि फलम्मा बस जब जा जाहम आई उनके पास आया उनके पास मूसा मूसा भी आया तिना हमारी निशानियों के साथ बीना रोशन कौलू उन्होंने कहा माँ हाद नहीं है ये इल्ला मगर सेहर जादू मुफ्तरा बनावटी घड़ा हुआ अमूसा सलाम वहां से निकले और बेसिकली इधर सी बात है स्टोरी के बीच में भी बहुत कुछ है जो कि मिडल में है जो कि यहाँ पर नहीं बयान किया गया और बेसिकली वो सारा जो है चीज़ें यही हम ये देखते हैं कि कुरान में जब भी किसी किस्से को बयान किया जाता है तो उसके सिर्फ जो अहम बातें हैं जो रेलिवेंट चीज़ें हैं जिनसे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं सिर्फ उन्हीं बातों को जो है यहाँ पर बयान किया जाता है तो क्या है कि मूसा जो है मिस्र वापस गए और वहां से फिर अपने भाई को लेकर जो है वो अः फिर के दरबार में गए अल्लाह की निशानियों के साथ और सारी जो उन मूसा और फिरौन के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये तो क्या है जादू है और बनावटी है यानी ये तो जादू सा घड़कर लेकर आ गए है वना और नहीं सुना हमने बिहार आइये फी आबा इन अवलिन अपने पहले यानी बाप दादा में यानी ये जो बात आके कर रहे हैं मूसा मूसा ने बेसिकली क्या बात की थी तोहहीद की बात की थी और उसको क्या कह, कहते हैं कि ये तो ऐसी बात है जो कि हमने पहले कभी जो है अपने बाप दादा में सुनी नहीं थी वकौला और कहा मूसा मूसा ने रब्बी मेरा रब आलम जानता है बिमन उस शख्स को जो जा आ आया बिलहुदा हिदायत के साथ मिन आइन दी ही उसके पास से यानी अल्लाह सुबह तला के पास से व मन और उसको के तकून है लहू जिसके लिए आकबत आकिबत आकबत का अदार घर इन नहु बेशक वो ला युफलिखु नहीं फला पाएंगे अजोलिम अमूसम जैसे कि हम ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे जो है जो कुछ भी कन्वर्सेशन हुई आ, किस तरह से मूसा सलाम ने जो है जैसे कि सूर शा में हमने देखा था कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूसा सलाम ने सारी बात को बयान किया और फिर रौन ने उनको बार बार जो है डिस्टेक्ट करने की कोशिश की और ये कि जैसे कहते हैं कि सवाल गंदम जवाब चना कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा करके जो है उनको उनके असल बात से जो है ना वो हटाने की कोशिश की लेकिन क्या था कि हमने देखा कि मूसा सलाम जो है अपने मैसेज पर जो है बिल्कुल फोकस्ड है कि वो किस काम के लिए उनको भेजा गया है अब ये सारी चीजें यहाँ पर दोबारा से नहीं बताई गई और एंड में जो है मूसा का एक कंक्लूडिंग पॉइंट बताया जा रहा है किसलाम और फिरौन, फिरौन के बीच में जो कुछ भी हुआ तो उसके जवाब में मूसा क्या कहते हैं कि मेरा रब जो है खूब उस श, उस शख्स को जानता है जो उसकी तरफ से हक लेकर आया और जिसके लिए आकेबत का घर है बेशक जालिम जो है निजात नहीं पाते जालिम जो है फ नहीं पाते यानी क्या है कि ये चीज़ जो है बहुत आया हो जाएगी और ये कि अल्लाह सुबहाना तला जानते हैं कि कौन शख्स जो है वो हिदायत पर है और कौन जो है वो बातिल पर है और ये चीज़ जो है कि कौन सही है कौन गलत है ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ यानी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आखिरत ही में जाकर पता चलेगा कि का अच्छा कौन सही है कौन गलत है अ, क्या है कि जैसे कि आकबत यानी आकबद का घर यानी इस दुनिया का अंजाम भी जो है वो इस चीज को बहुत वाजे कर देता है कि आया ये शख्स जो है वो दुरुस्त था या कि गलत था तो हम सलाम और फिरौन की वाक्य में हम देख सकते हैं कि दोनों का जो अंजाम है जो दुनिया में अंजाम हुआ वहीं से जो है ना हमें साफ पता चल रहा है कि कौन जो है वो हक पर था और कौन बातिल पर था और ये जालिमून कौन है यानी जो के हिदायत उनके सामने आ जाती है लेकिन फिर भी क्या करते हैं देखते हुए भी उस चीज को जो है वो झुटला देते हैं क्या है कि यानी आ, हक सामने हो बहुत वाजे हो पता भी चल रहा हो कि हाँ ये बात दुरुस्त है लेकिन इसके बावजूद जो है इंसान उस चीज को ठुकरा दे रद्द कर दे और बातिल के साथ जो है वो यानी बातिल ही के साथ जो है वो कंटिन्यू करे तो ऐसे लोग कौन है में कि उन्होंने जुल्म किया जुल्म क्या था कि यानी हक जो है इस बात का राइट रखता है कि जब वो सामने आए तो इंसान उसको कबूल कर ले तो ये बेसिकली ज्यादती है सच्चाई के साथ कि कोई इंसान उसको कबूल ना करे और यहाँ से ये चीज़ भी पता चल रही है कि जैसे कि अंजाम की बात हुई तो इंसान का जो दुनिया में अंजाम है ना जो एंड है यानी हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं और समटाइम्स क्या होता है कि आप जब काम को कर रहे होते हैं बहुत अच्छा अच्छा चल रहा होता है लेकिन एक्चुअली असल में क्या पता चलता है कि उसका एंड क्या होगा उसके एंड रिजल्ट्स क्या निकलेंगे वहां से हमें पता चलेगा कि जो कुछ भी वो काम था अच्छा था या कि बुरा था तो इसी तरह जो है ना हम दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं और ऑब्वियसली हमें जो है आखिरत में भी हमें अपना अंजाम अच्छा चाहिए लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि दुनिया में भी अच्छे अंजाम की जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा अंजाम जो है बहुत अच्छा हो बेहतरीन हो और बेसिकली हमारे लिए जो बेहतरीन अंजाम है वो क्या है कि हमारा खात्मा जो है वो ईमान के साथ हो तो इस चीज़ के लिए यानी अच्छे ख़ात्मे के लिए के जो है ईमान पर खात्मा हो और ये के जो है यानी ईमान के साथ मौत हो ईमान पर खात्मा हो तो इस चीज़ के लिए दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए और ये चीज़ भी बड़ी अहम है यानी होता क्या है कि यूजुअली हम ये देखते हैं कि इंसान जिस हाल में जिस तर्ज पर जिंदगी गुजारता है तो बेसिकली एंड पे भी वो वही होता है उसकी सोच उसकी फ़िक्र और उसके अमल जो है ना उसी के मुताबिक होते हैं आखिरी वक्त तक जो कि जिस तर्ज पर उसने ज़िंदगी गुजारी होती है जिस तर्ज से मुराद ये कि जिंदगी में जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है जिस चीज़ के वो बहुत ज़्यादा पीछे होता है जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है या जो चीज़ उसके यानी हर वक्त जो है ना उस पर सवार रहती है या जिस चीज़ के पीछे उसने सारी जिंदगी दौड़ लगाई होती है तो उसी के उसी से मिलता जुलता अंजाम जो है ना बेसिकली जो है ना इंसान के हिस्से में आ जाता है देखा होगा यानी बेसिकली क्या है कि एक शख्स जो कि अपनी जुबान को अल्लाह सुबहाना जिक्र से तर रखता है हर वक्त उसकी जुबान से अल्लाह अकबर सुबह अल्लाहदही सुबह अल्लाजीम ला लाला ला। यानी इस तरह के कलिमात जो है ना वो चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त उसके यानी यही अगर उसकी जुबान से जारी रहता है तो यकीन करें कि और ये कि सिंसेरिटी ऑब्वियसली इखलास का होना बहुत जरूरी है कि शोर भी इसमें शामिल हो और इखलास भी शामिल हो तो यकीन करें कि क्या है कि यानी बहुत उम्मीद है कि अगर कोई इंसान खालिस होकर जो है अपने रब का जिक्र सारी जिंदगी करता रहा तो यानी आखिर में भी उसकी जुबान से क्या है कि अल्लाह ही का नाम होगा आखिर में भी जब वो यहाँ दुनिया से जाने लगेगा तब भी क्या है कि उसकी जुबान पर किसका नाम होगा अल्लाह ताला ही का नाम होगा अल्लाह ही का जिक्र होगा तो बेसिकली इस चीज की कोशिश करनी चाहिए जिस तरह का हम अंजाम चाहते हैं हम चाहते हैं कि अच्छा सजदों में हमारी जान चली जाए तो फिर क्या होना चाहिए कि इसकी कसरत होनी चाहिए अगर हम कहते हैं कि अच्छा हमारी जान रोजे की हालत में हो तो रोजे की कसरत होनी चाहिए यानी जो कुछ भी जिस तरह का भी हम चाहते हैं ना कि तो उस चीज की कसरत होनी चाहिए ऑबियसली अगर आप किसी चीज़ को कसरत से करते हैं तो इनशाला क्या है कि अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा जिस हाल में इंसान ने जो है वो जिंदगी गुजारी होगी और ये चीज हमने देखी भी है कि समटाइम्स क्या होता है कि यानी अगर कोई आ, जो है आ, यानी मौत के करीब हो मरने वाला हो तो समटाइम्स लोग कहते हैं कि अच्छा उसके करीब जो है कलीमा पढ़ना शुरू कर दें तो क्या होता है कि आपको देख जो है वो पढ़ना शुरू कर देगा और समटाइम्स यानी ये भी होता है कि लोग पढ़ते हैं लेकिन वो शख्स जो है कोशिश के बावजूद भी उसकी जुबान जो है वो नहीं काम करती और ऐसे में फिर ये भी कहा गया ना कि ऐसे में यानी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि आप उसको जबरदस्ती कहें कि पढ़ो ये हो सकता है क्योंकि वो जो कैफियत है वो बहुत ही तकलीफ दे है बहुत ही तकलीफ दे है तो ऐसे में इंसान जो है ज़ुबान से कुछ और कुफर के क़लिमात भी निकाल सकता है या कुछ और ऐसा गलत बोल सकता है कि आखिरी लम्हात में कुछ ऐसा उसका आ, यानी अल्फाज हो जो कि उसको जो है ईमानी से जो है वो फारिग कर दें तो बेसिकली यानी क्या है कि यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है कि इंसान का अंजाम जो है ना वो बहुत कुछ जो है ना बता देता है और यानी कौन सही था और कौन गलत था अब ये बहुत ही यानी आ, क्लियर एक बात जो है ना वो सलाम ने की कि अच्छा ठीक है कि अगर तुम समझते हो कि तुम जो है दुरुस्त हो और अल्लाह सुबहाना खूब अच्छे से जानता है कि कौन हिदायत पर है और हम दोनों का अंजाम जो है ना इस चीज का फैसला कर देगा कि मैं हिदायत पर था या कि तुम दुरुस्त है अब इतनी वाज थी तो उसके बाद जो है ना अब फिर इतन, आ, उसका जवाब क्या आता है वकोला और कहा फिर आउन ने या अयुहल मलाउ ए अहले दरबार मालिम तो नहीं मैं जानता लकुम तुम्हारे लिए मिन इलाहिन कोई मबूद वैरी अपने सिवा अब फिर जो है अपने दरबारियों को क्या कहता है बेसिकली बड़े ही यानी आ, मजाक वाले अंदाज में जो है ना उसकी बात थी कि इतनी सीरियस बात को उसने जो है ना यूं मजाक में उड़ा डाला और जस्ट लोगों को जो है ना उसकी क्योंकि मूसा ने जो बात की उसमें बहुत वजन था बहुत पावरफुल थी तो उसने उसका असर जो है ना अपने दरबारियों से हटाने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए बात को जो है ना एक नॉन सीरियस उसकी तरफ ले गया मजाक की तरफ ले गया कहने लगा कि अहले दरबार मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा किसी खुदा को नहीं जानता कि जिसकी बात करते हैं मैं नहीं जानता कि मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई खुदा है फाओकिद पस आग लगा फाओकिद पस आग लगा ली मेरे लिए या हामानु ए हमान अलया पर अतीनी मट्टी फज अल फिर बना ली मेरे लिए सरहन महल ली ताकि मैं अतले मैं चढ़ जाऊ इला तरफ इला ही खुदा के मूसा मूसा के इन्नी और बेशक मैं लाज मैं समझता हूँ इसको मिनल का दिबीन झूठों में से अब बेसिकली जो है फिर क्या कहता है अपने वजीर को हामान को कि मेरे लिए यानी आग लगाओ मट्टी से मतलब ये कि मट्टी की ईंटें बनाकर और उसको पकाकर बेसिकली जैसे मट्टी की ईंटें बनाई जाती है उसको पकाया जाता है और फिर उससे बिल्डिंग जो है बनाई जाती है तो उसने ये कहा कि अच्छा यानी ईंटें शींटे बनाओ पकाओ और फिर उससे एक ऊंचा महल बनाओ यानी बहुत हायर बिल्डिंग हो टॉल बिल्डिंग हो तो फिर मैं उस पर चढ़कर देखूंगा कि आया यानी जिस मूसा जिस खुदा की मूसा सलाम बात करते हैं कि वह आसमानों में है तो मैं उस जो है ना महल में चढ़कर देखूंगा कि वहां पर मूसा सलाम का खुदा है या कि नहीं है और बेशक मैं क्या हूं कि मैं तो मूसा सल्लाम को झूठों में से समझता हूँ रा और तकबर किया हुआ उसने वह जुनू दूह और उसके लश्करों ने फिल अर्दी जमीन में हक ना हक अब क्या था कि यानी जो है फिर जो है उसने बेसिकली तकबर किया और उसके साथ जो उसके लश्कर थे उन्होंने भी तकबर किया और ये सारा कुछ क्यों था कि सब बातें बहुत वाजे थी फिर भी यानी उसने उनको झुटला दिया और झूठों में से कहा जन्नु और समझा उन्होंने के वो हमारी तरफ ला कि उन्होंने ये समझा उन्होंने ये ख्याल किया कि वो हमारी तरफ कभी लौट कर नहीं आएंगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि फिर ने मूसलम का इनकार किया आपकी लाईवी बात का इनकार किया तोद का इनकार किया तो उसमें एक चीज़ जो हमें नज़र आती है वो क्या था कि जो यहाँ पे भी बताई जा रही है कि उसने तकबर किया अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझा और बहुत बड़ी चीज़ समझते हुए क्या था कि हक का इनकार कर दिया और इंसान जो है यानी अपने आप को बड़ी चीज समझता है और हक का इनकार करता है और नतज क्या निकलेंगे कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे उनकी परवाह नहीं करता तो बेसिकली क्या है उसकी यहाँ पर दी जा रही है कि कितनी इम्पोर्टेंट है कि आखरत पर यकीन जो है ना वो बहुत बहुत अहम है यानी इंसान को इस जिंदगी में दुरुस्त रखने के लिए अपनी असलाह करने के लिए आजजी लाने के लिए आखरत पर ईमान जो बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ देख लें कि यानी हम मुसलमान भी हैं और हमें यकीन भी है कि आखरत होगी हिसाब किताब होगा लेकिन जो है हमें क्या नज़र आता है कि हम इसके बावजूद हम इस दुनिया में वो सब कुछ करते हैं जो कि अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है हम अल्लाह सुबह अगेंस्ट जाकर उन कामों को करते हैं जिनके बारे में अल्लाह सुबहाना तला ने बहुत वाज तौर पर मना कर दिया कि उनको ना किया जाए क्यों ना किया जाए क्योंकि अल्लाह सुबहाना तला के वो नापसंदीदा काम है उनसे अल्लाह सुबहाना तला नाराज़ होते हैं और ऑब्वियसली अगर अल्लाह तला नाराज होंगे तो ऐसे शख्स का अंजाम क्या होगा सजा की सूरत में होगा जहन्नुम की सूरत में होगा लेकिन फिर भी जो है हम करते हैं तो उसकी वजह क्या होती है के तकबर अपने आप को क्योंकि ये जो है ना चीज यानी बार बार आपको कुरान में नजर आएगी कि हक को जिन्होंने रिजेक्ट किया जिन्होंने रद्द किया तो रीजन क्या थी तकबुर थी और आखिरत के मामले में शकुको शुभहात थे आखिरत पर यकीन नहीं था और अपने आप को बड़ी चीज समझते थे ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से उन्होंने सही बात को नहीं लिया और ये देखें कि हम मुसलमान होने के बावजूद भी यानी हमारा रवैया क्या होता है कि हम दुनिया में इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं कि जैसे कि कभी हमसे पूछा ही नहीं जाएगा कि ये तुम, तुम दिन और रात कैसे गुजार कर आए क्या क्या तुमने अमल किए क्या क्या कुछ दुनिया में करते रहे कि हम ऐसे यानी हर उस गलत काम को बड़ी आसानी से कर जाते हैं कि जैसे कि कभी हमसे पूछा ही नहीं जाएगा कभी हमसे सवाल ही नहीं होगा और कभी जैसे कोई हमारी पकड़ ही नहीं करेगा हम अपनी का जो है ना एनालिसिस कर लें कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम होते हैं उनमें कितनी बातें हैं जो कि हम यानी पता होने के बावजूद यहां पर यह नहीं था कि फिर को पता नहीं चला सलाम की सच्चाई का बहुत अच्छे से जान किया था अल्लाह तला साहब बता रहे बस तकबरा तकबर किया और फिर क्या था कि ये समझा कि हमारी तरफ कभी वापस नहीं आएगा तो बेसिकली हमें भी हर बात का पता होता है बहुत वाजह पता होता है कि ये बात अल्लाह सुबहाना को पसंद नहीं है लेकिन फिर भी जो है हम तकबर करते हैं और हम यानी बड़ी आसानी से उनको उन चीजों को कर जाते हैं और हमारे जहन में भी यानी यही सोच होती है कि अच्छा देखा जाएगा जब क्या आएगी देख लेंगे क्या होगा और फिर क्या है फाखद ना हो पस पकड़ा हमने उसको और उसके लश्करों को फिर डाल दिया हमने उनको पानी में का ना था आतो अंजाम अजिमी अज्ञाम अज्ञाम ालिमों का अब अल्लाह साल क्या फरमाते हैं कि अल्लाह तला ने फिरौन की भी पकड़ कर ली और उसके साथ जो उसके लश्कर थे उनको भी पकड़ लिया कैसे पकड़ की उनको पानी में डाल दिया पानी में जैसे कि हम जानते हैं कि फिर जो अपने लश्कर समेत पानी में गर्क कर दिया गया था और फिर अल्लाह सुबहान्ल क्या फरमाते हैं कि देख लो ालिमों का अंजाम कैसा हो अब फिर वही बात आ रही है कि जुल्म का अंजाम जो है ना कभी भी अच्छा नहीं होता ओर ज्यादा चाहे वो अल्लाह सुबहाना ताली के मामले हो मामले में हो चाहे इंसानों के मामले में हो उसका अनजाम कभी भी अच्छा नहीं निकलता और ये चीज़ जो है ना यानी देखने के लिए निगाह चाहिए कि जब भी इंसान अगर अल्लाह ताला के मामले में कोताही करता है या फिर ये कि इंसानों के साथ कोई भी ज्यादती कर जाते हैं कोई भी जुल्म कर जाते हैं किसी की हक हक तलफी कर जाते हैं तो क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाता है रिजल्ट के तौर पे नतीजे के तौर पे जो कि हमें बता रहा होता है लेकिन क्या है कि हम फिर भी जो है ना उससे निगाहें हटा लेते हैं और सिर्फ उन सबब की तरफ जाते हैं कि नहीं अच्छा ये वजह थी इसलिए ये ऐसे हो गया भाई वो सबब भी कोई बनाने वाली जात है उसकी तरफ निगाह रखनी चाहिए कि आखिर उसने ये सबब ऐसा क्यों बनाया अगर वो ना चाहता तो वो नहीं सकता था तो बेसिकली क्या है कि जालिमी का अंजाम जो है ना वो हमेशा बुरा रहा और ये सिर्फ एक नहीं कि जब भी जिस दौर में भी जब भी कोई इस तरह का रवैया अख्तियार करेगा तो उसके साथ जो है वो ऐसा ही होगा वो और बनाया हमने उनको पेशवा पेशवाऊना बुलाते थे अल नारी आग की तरफ व यो मियामती और क्यामत के दिन ला यून नहीं मदद दिए जाएंगे अब अल्लाह साल फरमा रहे हैं कि आम, हमने इनको पेशवा बना दिया पेशवा किस तरह से बनवा बना दिया यानी लोगों के लिए पेशवा बना दिया कि वो लोगों को किसकी तरफ बुलाते हैं दोजख की तरफ बुलाते हैं जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं आग की तरफ बुलाते हैं और क्यामत के दिन इनकी कोई मदद नहीं की जाएगी वह अतबा ना हो और हमने इनके पीछे लगा दी फिहा इस फिहा दुनिया इस दुनिया में लान लान व योमल क्यामती और क्यामत के दिन हम वो मिनल मकबून बदहालों में से होंगे अब उनका जो है अः मजीद बताया जा रहा है कि ये लोग क्या है कि जिन्होंने हक को जुटलाया अब ये क्या है दूसरों को भी आग की तरफ बुलाते हैं इनको पेशव बेसिकली क्या है कि फिरौन जो है उनका लीडर था अगर फिर जो है सच्चाई को कबूल कर लेता तो पीछे पीछे उसकी आवाम भी जो है ना उसको कबूल कर लेती अब चूंकि जो उनका पेशवा था फिरा लीडर जो उनका था उसने सच्चाई को कबूल नहीं किया तो पीछे पीछे उसकी आवाम भी यानी कुफर ही पर रही तो बेसिकली वो पेशवा बन गया लीडर बन गया जिसने लोगों को किसकी तरफ बुलाया आँख की तरफ बुलाया और फिर के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि जिस तरह दुनिया में वो आ, यानी लोग उसके पीछे पीछे थे आ, बातिल के मामले में तो क्या था कि आगे आगे वो था और पीछे पीछे उसके मानने वाले थे उसको उसके फॉलोअर्स थे तो दुनिया में भी वो उनको ले डूबा और आखिरत में भी क्या होगा कि अपनी कॉम के वो आगे आगे होगा अपनी कॉम को लीड करेगा और लीड करते करते उनको कहाँ लेकर जाएगा आग में लेकर जाएगा जहन्नुम में लेकर जाएगा और ये चीज जो है ना यानी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यानी इससे पता क्या चलता है कि इंसान जिस शख्स के पीछे पीछे चलता है तो उसका अंजाम भी वही होने वाला है उसकी डेस्टिनेशन भी वही बनने वाली है और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है किसको फॉलो करते हैं किसको फॉलो करते हैं और इन्हीं अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखें कि जहर सी बात है बहुत सारी चीजें आती हैं बहुत सारे काम करने होते हैं और ऑब्वियसली आपने कामों को किसी एक तरीके पर करना होता है अब वो तरीका हम किसका लेते हैं तरीका हम किसका लेते हैं तो यही चीज जो है ना बेसिकली डिसाइड करेगी कि हम आखिर आखिरत में भी हम कहाँ जाने वाले हैं क्योंकि इंसान जिसकी तर्ज पर होगा जिसके तरीके पर होगा जिससे मोहब्बत रखता होगा जिसके जैसा बनने की कोशिश करता होगा जिसको एडमायर करता होगा जिसको फॉलो करता होगा और जिसके अमल जिसके जैसे होंगे वो आखिरत में भी उन्हीं के साथ होगा तो इसीलिए क्या है कि हमारे लिए बेहतरीन नमूना क्या है आप वसल्लम की जात है तो अगर हम अपनी जिंदगी में आप के तरीकों को लेकर आते हैं उन्हीं के तरीकों के मुताबिक जो है वो अमल करते हैं उन्हीं के जैसा यानी उन्हीं के तरीकों को फॉलो करते हैं तो फिर क्या है कि अपने अमाल भी जो है ना उन्हीं के बताए हुए तरीकों के मुताबिक करते हैं उन्हीं से मोहब्बत करते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं तो इन आखिरत में भी क्या होगा कि हम उन्हीं के साथ होंगे लेकिन अगर हम कहें कि अच्छा दुनिया में तो हम ने और अपने बहुत यानी बना रखे हैं सेलिब्रिटीज हैं और बहुत से लोग हैं जो कि हमारे लिए जिनको हम आइडियलाइज करते हैं और समझते हैं कि बस ये जो बातें करते हैं ये जिस तरह से बताते हैं ये जो कुछ कहते हैं इनके तरीके बेहतरीन है इनसे ये ये यानी हमें मिलता है ये अच्छा यानी लगता है तो बेसिकली क्या है कि अगर हम दुनिया में और लोगों के पीछे हैं और फिर हम दिल में ख्वाहिश रखें कि जब क़यामत के रोज हशर के मैदान में जो है मैं सल्लम के साथ हूँ तो यानी ये जो है ना सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात है ये बात बहुत वाज़े है बार बार कुरान में इस चीज़ को बताया जाता है कि इंसान यानी जिसके पीछे होगा उसी के साथ वो आखरत में भी होगा और इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब हम यानी दुआ भी मांगते हैं कि हमें जो है नेकोकारों के साथ जो है वो वफात कीजिए उन नेकोकारों के साथ उठा लिए तो उसमें भी यही चीज आ जाती है ना कि अगर हमारे अमल यानी नेकोकार जो है हो सकता है कि हम कहें कि अच्छा हम जो है यानी हमें सहाबा क़राम के साथ जो है हशर के मैदान में उठाया जाए इकट्ठा किया जाए तो हमें वो तो कब के वफात पा चुके और हम जो है अभी जिंदा हैं तो कैसे है कि तवफ़ा नी मिनस साल तो उनके साथ कैसे होगा कि अगर हमारे अमाल उनके जैसे होंगे अगर हमने अपने अमाल को उनके जैसा बनाने की कोशिश होगी तो अमाल की बुनियाद पर क्या होगा कि वो हम यानी सब जो है वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे यानी टाइम डिफरेंस जो है फिर मैटर नहीं करता मैटर क्या करता है कि आपके अमल किसके जैसे हैं और फिर क्या है कि यानी अब यहां पर हमें पता चल रहा है कि आ, फिर के पीछे पीछे लोग चले और फिर उनको कहाँ लेकर गया आग की तरफ लेकर गया और ये के क्यामत के रोज जो है ना उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी और फिर तरमा रहे हैं कि इस दुनिया में क्या था कि उनके पीछे लानत लगा दी गई और क्यामत में भी क्या होगा कि उनके यानी बदहालों में से होंगे मकबूहीन यानी के चेहरे बिगड़े हुए होंगे इसके बारे में जैसे कि इब्ने अब्बास रजील तला फरमाते हैं के मकबूहीन क्या है कि जिनके चेहरे बिगड़ गए रंग आंखें नीली हो गई हर भलाई से हर भलाई से दूर हाँक दिया गया यानी बेसिकली बहुत ही बुरे हाल में होंगे और अब ये चीज भी है कि अब हम जिस दौर में बेसिकली रह रहे हैं और हम अगर कहते हैं कि अच्छा हमने जो है अपने हर जिंदगी का जिंदगी का मामला जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है जो कुछ भी हमारी जिंदगी में आता है जो भी हमने फैसले करने हैं और कुछ भी मौके डिफरेंट आते हैं हमारी जिंदगी में तो उन सब को हमने जो है ना कुरान और सुन्नत के मुताबिक रखना है तो बेसिकली क्या है कि आज के दौर में ये चीज़ यानी ऐसे ही है कि अगर इंसान यानी बिल्कुल अकॉर्डिंगली चलना चाहता है तो उसे लगेगा कि शायद मैं बिल्कुल अकेला हूं उसे अपने साथ वाले लोग जो है ना बड़े कम नजर आएंगे क्योंकि मेजोरिटी क्या है यानी जो यानी एक भीड़ चाल जो लगी हुई है कि सब वो एक ही तरफ चल रहे हैं तो क्या है कि ये चीज हमें हदीस से भी पता चलती है कि ये काम बड़ा मुश्किल है कि जब मेजॉरिटी जो है वो एक तरफ हो और मेजॉरिटी जो है ना हमें कुरान से जो बात अच्छा चलती है ना कि ऑलवेज यानी जो है ना गलत उसकी तरफ जा रही होती है कम लोग होते हैं जो कि सही और सच्ची बात को और दुरुस्त बात को लेने वाले होते हैं तो हदीस में भी जैसे क्या आता है कि जब इस्लाम यानी शुरू हुआ तो कैसे था बहुत ही स्ट्रेंज था यानी अजनबी अजनबी कैसे कि थोड़े से लोग थे जो कि मुसलमान थे और बाकी सब जो है एक ही उसमें जा रहे थे बुतों की पूजा की जा रही थी शिर किया जा रहा था और बहुत सारी गलत रसूम जो है वहां पर थी तो जब इस्लाम शुरू हुआ तो किस तरह से शुरू हुआ यानी अजनबी था यानी बहुत ही स्ट्रेंज था और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्वियसली इस्लाम फैला लेकिन आप क्या फरमाते हैं कि फाइनली आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस्लाम फिर से जो है ना वो अजनबी बन जाएगा यानी होगा क्या कि इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करने वाले लोग जो है ना बहुत कम रह जाएंगे और होता है ना कि अजनबीय कब होती है कि जब बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानने वाले हों और एक जो है ना बीच में से डिफरेंट हो अलग से हो तो वो अपने आप को क्या लगेगा अजनबी है जैसे इसकी छोटी सी मिसाल है कि अगर किसी गैदरिंग में आप जाएं और जो है ना वहां पर किसी ने भी हिजाब नहीं किया और वहां पर एक खातून जो है ना वो हिजाब करके चली जाए तो वो वहां पर क्या है अजनबी की तरह है स्ट्रेंज है अजनबी है तो इस्लाम भी ऐसे ही है कि जब शुरू हुआ तो इसी तरह से था और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब फिर से इस्लाम जो है उसी अजनबियत की तरफ चला जाएगा और आपने क्या फरमाया कि यानी ऐसे वक्त में वो स्ट्रेंजर्स जो है ना उनके लिए खुशखबरी है स्ट्रेंजर्स कौन से वो अजनबी कौन से जिन्होंने के यानी इस्लाम अजनबी बन गया लेकिन इसके बावजूद उसको अपनाए रखा तो ऐसे लोगों के लिए क्या है खुशखबरी है और ये चीज कितनी सच्ची है कि आज के दौर में यानी छोटी सी मिसाल है कि शादी ब्याह की बात ही ले लें अगर हम कहें कि अच्छा हमने सादगी से जिस तरीके से हमें बताया गया है हमने दूसरों की जो बेकार किस्म की रसूमात हैं जो बेकार किस्म की चीजें हैं उन सब को निकाल के सिर्फ सादगी के साथ जो तरीका हमें इस्लाम में दिया गया हमने उसके मुताबिक जो है वो निकाह करना है तो ये जो है ना हमारे जहन में यानी जो सोच आती है जो बात आती है कि लोग हमें क्या कहेंगे कि ये तो बेवकूफ हो गए हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं आज के जमाने में किस तरह की बातें कर रहे हैं तो बेसिकली क्या है ये चीज जो है बड़ी मुश्किल है लेकिन आपसे सुन क्या फरमाया कि जो जो स्ट्रेंजर्स बन गए अजनबी बन गए उस दौर में भी तो ऐसे लोगों के लिए क्या है खुशखबरी है क्योंकि ये काम क्या है बहुत मुश्किल है और बहुत ही इस्तकाम चाहिए कि ऐसे वक्त में कि जब यानी सब जो है इस्लाम से दूर हैं और ये कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे जैसा दिल चाहता है वो कर रहे हैं और ऐसे दौर में जो है इंसान जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ले आए तो बेसिकली क्या है इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए पेशेंस चाहिए और इस्तकामत चाहिए और फिर क्या है वल्कत बेशक आतायना दी हमने मूसा मूसा अलै को अल किताब किताब मिन बादि बात अहलकना इसके के हलाक कर दी हमने अल कुरून अल उला पहली नस्लें अब अल्लाह सुभान व फरमा रहे हैं कि हमने जो है मूसा अलै सलाम को किताब عطا फरमाई और इसके बाद के यानी क्या था कि उससे पहले जो है यानी मूसा अलै सलाम को बेसिकली किताब देने से पहले क्या था कि बहुत सारी उम्मतों उम्मतों को हलाक कर चुके थे यानी वो हलाक हो चुकी थी बसा इरा यानी रोशन दलीलें लोगों के लिए वहन हिदायत व मतन और रहमत ला ताकि वो यदक का नसीहत हासिल करें यानी क्या है अल्लाह साल क्या हैं कि हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी यानी यानि सलाम से पहले बहुत सी कौमें थीं जिनको के हलाक किया गया उसके बाद सलाम को किताब दी गई और ये किताब कैसी थी जो लोगों के लिए बसीरत बसा लन्नास यानी लोगों के लिए बसीरत व हदऊ हिदायत व रहमतन और रहमत है और ये सारा कुछ क्यों किया गया ला या तदक करूँ ताकि लोग वो नसीहत पकड़ें तो बेसिकली तौरात के बारे में कहा जा रहा है कि तौरात दी गई और इसमें लिए इसमें लोगों के लिए बसीरत भी थी हिदायत भी थी और रहमत भी थी और ये सब कुछ क्यों था ताकि लोग जो वो नसीहत पकड़ें वह माँ और नहीं आप थे यानी ये के बारे में कहा जा रहा है कि आप नहीं थे बी जाबी तरफ अलवरबी यानी मगरब के इज जब कदैना भेजा हमने इलामूसा की तरफ नबा की गई तो उस वक्त क्या था? कि आप वसल्लम तूर के मगरबी जानब नहीं थे व माँ कुंता और नहीं थे आप मिनत शाहिदीन गवाहों में से यानी क्या है कि यानी ये सारी चीज़ें जो कि मूसीम के, के वाक़त जो हैं आप सल जो हैं मुशीन मक्का को पढ़कर सुना रहे हैं और इस तरह से इनकी इतनी एग्जैक्ट डिटेल जो है वो बताई जा रही है तो यहाँ पर जो है ना इस बात को यानी एज एविडेंस बताया जा रहा है कि इस तरह की बातें जो कि यानी एक अरसा गुजर गया दो हजार साल का जो है ना बीच में गैप आता है आसलम के और मूल के बीच में यानी इतनी पुरानी बातें हैं और आप उन बातों को एज इट इज और बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत जो है सही एग्जैक्ट जो है ना इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को दे रहे हैं तो आप तो उस वक्त मौजूद नहीं थे लेकिन जो जिस तरह से बातों को जिस तरह से मूसा सलाम के वाक्य को बयान किया जा रहा है उससे लग क्या रहा है कि जैसे कि किसी ने अपनी आंखों से इन तमाम चीजों को होते हुए देखा हो यानी क्या है कि जैसे कि कोई गवाह हो किस उसने जो है इन तमाम चीजों का मुशाहिदा किया हो तो यहां पर जो है ना यानी ये बात बताई जा रही है कि ये तो इतनी पुरानी बातें हैं और कौन शख्स जो है इतनी पुरानी बातों को इतने अच्छे तरीके से बयान कर सकता है कि जिसके पास कोई ऐसा सोर्स है जो कि इन तमाम बातों को जानता है तो बेसिकली के पास ये सारी चीजें कैसे आ रही थी वही के जरिए आ रही थी और वही किसकी तरफ से आ रही थी अल्लाह सुबहाना तला की तरफ से यानी बेसिकली वो जो मुश्किन मक्का कहते थे कि अच्छा जो है ना यानी खुद से नाउस बिल्ला तमाम चीजों को घर लेते हैं तो उनको ये बात बताई जा रही है कि और ये चीज भी हमें मालूम होनी चाहिए कि वहां पर ये जो वाक्यात हैं ये इस तरह से कॉमन नहीं थे कि अच्छा हम कहें कि अच्छा सल्लम ने और हमें ये भी पता है कि किसम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे यानी ये बात भी नहीं हो सकती कि अच्छा उन्होंने कहीं से पढ़ा और ये भी नहीं कि अच्छा उन्होंने इधर उधर से सुन लिए और फिर बता दिए क्योंकि एक तो ये कि मक्का में ज्यूज़ नहीं थे ऑब्वियसली ये सारी जो इल्हामी किताबें हैं ये ज्यूज़ के पास थीं और मशंकी मक्का के पास ऐसी कोई इल्हामी किताब नहीं थी और वो इन तमाम चीज़ों से यानी दूर थे और दूसरा ये कि अगर जूस के पास यानी तौरात में ये सारा कुछ था भी तो उनके ने तो इस तरह से कॉमन नहीं थी कि हर बंदा जो है ना उसको इजीली एक्सेस कर सकता है हर बंदे को मालूम है कि तो में क्या है नहीं ये जस्ट उनके स्कॉलर्स तक थी और मजे की बात ये है कि उनके स्कॉलर्स जो है ना अपनी अवाम की भी रसाई जो है तो तक नहीं होने देते थे तो दूसरों की तो बहुत ही दूर की बात है ये ऐसे ही है ना यानी ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा भी देखें कि ये थोड़ा सा कुछ चेंज आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह के कुरान की जो तालीमात हैं थोड़ी आम हुई है और एक आम इंसानी ट्रांसलेशन है आपको मुख्तलिफ रिसोर्स हैं कि जहाँ से आप खुद से जो है ना कुरान को एक्सेस कर सकते हैं आप जान सकते हैं देख सकते हैं पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल कुरान में क्या है लेकिन एक दौर था कि हमें पता भी नहीं होता था कि अच्छा कुरान में है क्या क्या नहीं है बस जो मौलवी साहब ने जो इमाम साहब ने जो किसी आलिम ने बता दिया जैसे भी बता दिया आंखें बंद करके हमारा यकीन था कि अच्छा बस ऐसी है यानी उनकी मर्जी जो मर्जी चाहे बता दें जितना चाहे बता दें, जितना चाहे छोड़ दें जैसे चाहे बता दें। तो बेसिकली क्या है कि इसी तरह की सिचुएशन जो है ना वहां पर थी कि अवाम जो है अपनी किताब से बहुत दूर थी यानी कहने का मकसद क्या है कि तौरात की बातें जो है ना वो ऐसे कॉमन नहीं थी कि अच्छा हर कोई जानता था और सल्लम ने किसी से भी सुन ली और लाकर जो है ना उजबिल्ला कह दिया कि सन्न तला ने मुझ पर वही किया नहीं और एक और चीज भी हमें पता चलती है कि डिटेल्स यानी जो नजर आती हैं वो ज्यादा दुरुस्त हैं बजाय उन किताबों के जो कि पहले थी यानी क्या है कि बहुत सारी चीज़ों चीजों में हमें ज्यादा डिटेल नजर आती है और ज्यादा करेक्टनेस नजर आती है क्योंकि जो पुरानी किताबें हैं जैसे तोरात और इंजील है इनमें हमें क्या नजर आता है कि इन लोगों ने तहरीफ कर दी चीजों को बदल डाला और फिर क्या है वला किन्ना लेकिन अनशा ना पैदा की हमने कुरून उम्मतें फला फिर तवील हो गई अल उन पर अलमरु मुद्दत व माँ कुंता और ना थे आप सावियन रहने वाले फी अहले मदियना अहले मदियन में तत्लू के पढ़ता अलैहिम उन पर आयातिना हमारी आयात वलाकिन्ना लेकिन कुन्ना हम हैं मुरसिलीन रसूल भेजने वाले अब अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं कि लेकिन हुआ क्या कि हमने बहुत सी कौमें पैदा की और उनकी उम्रें लंबी हो गई यानी बीच में बहुत गैप आया और फिर क्या था कि क्या कहा जा रहा है कि आप जो है मदियन के भी रहने वाले नहीं थे जैसे कि हमने जो है यानी या सलाम के बारे में पढ़ा कि किस तरह से यानी उनके वाक्य को भी बयान किया गया आसलम ने जो है उनके वाक्य को भी जो है बयान किया तो सारा किसकी तरफ से था वही के जरिए अल्लाह सुबह तरफ से था तो उस चीज़ को बताया जा रहा है कि यानी ऐसा तो नहीं था कि आप जो है मदियन के रहने वाले थे और वहां पर जो कुछ हुआ शोब ने किस तरह से अपनी कॉम को तबलीग की और उनकी कौम का क्या रिस्पॉन्स था वो तो सारा कुछ आपने तो नहीं देखा आप तो वहां पर रहने वाले नहीं थे बल्कि क्या है अल्लाह सुभान व तआला की जात है कि के जो के पैगम्बरों को भेजने वाली है वह कुंता और ना थे आप तूर की जानब इत जब ना देना आवाज दी हमने वलाकिन लेकिन रहमतन रहमत मेरू रब्बिका तेरे रब की तरफ से लितुन दिरा ताकि आप खबरदार करें, उन लोगों को मां नहीं वो करूँ नसीहत पकड़े अब अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि आप उस वक़्त जो है तूर के किनारे पर भी नहीं थे कि जब हमने मूसा को, को निदा फरमाई और लेकिन ये कि अल्लाह सुबहाना तला की जात क्या है कि यानी ये सारा कुछ जो है जो कुछ भी वाक़्या और जो भी किस्से बताए गए पैगम्बरों की स्टोरीज बताई गई वही के जरिए इन तमाम चीजों को बताया गया ये सब कुछ क्या है अल्लाह सुबहाना तला की रहमत है कि अल्लाह सुबहाना तला ने आपको पैगम्बर बनाकर जो है भेजा ये अल्लाह सुबहाना तला की रहमत है और ये कैसे रहमत है कि तमाम बातों को बताया गया क्यों ताकि एक ऐसी कौम को डराया जाए कि जिनके पास कोई डराने वाला नहीं आया आपसे पहले यानी आ, जो है उनसे पहले हम देखते हैं कि यानी अगर हम देखें कि हजरत इब्राहिम सलाम उनके दो बेटे इस्माइल सलाम और इसहाक सलाम है अब इस्माइल इस्माईल सलाम को हज़रत इब्राहिम सलाम ने लाकर मक्का में आबाद किया था और ये देखते हैं कि हम इस्माइल सलाम के बाद आप के बीच में कोई पैगंबर नहीं हमें वहां पर नजर आ रहा जबकि दूसरी तरफ क्या है कि इसहाकाम से आगे जो है याकूब इस तरह से एक पैगंबरों का एक मुसलसल जो है ना हमें सिलसिला नजर आ रहा है तो एक यानी बड़ा लंबा गैप था कि इनके पास कोई डराने वाला नहीं आया था और ये अल्लाह तआला की रहमत थी यानी मक्का वालों पर कि अल्लाह ताला ने वहां पर रसूल भेजा ताकि इस कौम को डराया जाए खबरदार किया जाए और ये चीज भी देखें कि अब यहां पर जो है यानी रसूल का भेजा जाना जो है उसको अल्लाह सुबह क्या कहा कि वला के रहमतम निरबिक ये खालिश जो है ना अल्लाह सुबहाना तला की रहमत है कि उसने पैगम्बर को भेजा और ये चीज भी देखें कि यानी जैसे आगे बताया जा रहा कि वलौला और अगर ना होता ऐसा अन ये के तो सी बहुम पहुंचे उनको मुसीबत उन मुसीबत बीमा बसब उसके जो कदमत आगे भेजा आई दे उनके हाथों ने यानी ऐ पैगम्बर हमने तुमको इसलिए भेजा कि ऐसा ना हो कि इन लोगों के पास इनके पास एक अरसे से कोई पैगम्बर नहीं आया था कि ऐसा ना हो कि इनके अमाल की वजह से जो इन्होंने आगे भेजे हैं इन पर कोई मुसीबत आती और फिर क्या होता फिर वो कहने लगते रब बना ए हमारे परवरदिगार लव अरसलता क्यों ना तूने भेजा इले न हमारी तरफ रसूलन एक रसूल को यानी क्या है कि इस चीज से इनको बचाने के लिए कि अगर इनके यानि इसी तरह से ही अपने गुनाहों में अपनी बुराइयों में मुल्वस रहते और इन बुराइयों की वजह से इन पर मुसीबत आती तो फिर ये कहते कि ए हमारे रब तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा फनत तब हम पैरवी करते आयात का तेरी आयत की वनकून मिनल मुमिन और हम मोमिनों में से हो जाते हैं यानी क्या है कि पैगंबर को भेजकर जो है ना बेसिकली अल्लाह सुबहान तला ने हजत तमाम कर दी कि उसके बाद यानी अगर इंसान गुनाहों में मुलविस होता है बुरे काम करता है तो उसके बाद वो अल्लाह के हजूर कोई बात जो है ना पेश नहीं कर सकता कि अच्छा मेरे तक जो है ना सही बात पहुंची नहीं थी मुझे कोई बताने वाला नहीं था मुझे कोई डराने वाला नहीं था मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि कोई मुझे बताता कि अल्लाह ताला आपको ये बातें पसंद हैं और ये बातें ना पसंद हैं मैं आपकी पसंदीदा बातों को कर जाऊं और ना पसंदीदा बातों को अवॉइड करूं यानी इंसान जो है ना आगे जाकर आखिरत में जाकर अल्लाह सब्लाना तला के सामने ये दलील नहीं रख सकता कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं मुझ तक तो सही बात दुरुस्त बात पहुंची नहीं यानी ये जो है ना कोई भी जाकर जो है ना अल्लाह सबलाना तला के सामने जो है इस चीज़ को नहीं कर सकता और इसी हजत को तमाम करने के लिए अल्लाह सुबहाना ताली ने पैगम्बर को भेज दिया ताकि जो है इस तरह की कोई बात कह ना सके और अगर अल्लाह सुबहाना ताली पैगम्बर ना भेजते तो ये कहते कि अच्छा हमारे तक तो या अल्लाह आपने रसूल क्यों ना भेजा अगर आप हमारे तरफ रसूल भेजते तो हम तो जरूर उसकी पैरवी करते हम जो आपकी आयात की पैरवी करते और हम तो क्या होते मोमिन में से होते अब यहाँ पर जो है ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि अल्लाह सुबहाना तौला ने बतौर रहमत जो है ना पैगम्बरों को भेजा इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए और ये जो रहमत है ना ये बेसिकली यानी क्या है कि अल्लाह सुबहाना तला ने इंसानों को फितरत पर पैदा किया है तोहीद की फितरत पर पैदा किया तोहीद की फितरत पर, पर पैदा करके यानी क्या है कि उसके साथ साथ जो है यानी एक तो ये कि इंसान के अंदर ये चीज़ रख दी कि अल्लाह एक है अल्लाह मौजूद है और अल्लाह एक है ये तोहद इंसान के अंदर रख दी गई है और इसके साथ साथ अल्लाह ने क्या है कि निशानियाँ कायनात में इस तरह से बिखेर दी और इंसान को अक्ल और शूर दे दिया कि उन निशानियों के जरिए से वो अपनी फितरत पर जो है ना और ज़्यादा डट जाए उसे अपनी जो अंदर उसके रखी गई है उस पर और उस पर जो है उसको यकीन आ जाए तो बेसिकली ये चीज जो है ना यानी काफी थी कि इंसान जो है उसको फितरत पर पैदा किया गया और निशानियां जो है बिखेर दी गई कि इंसान जो है इनको देखकर जो अपने रब को पहचान ले और ये इतना भी यानी काफ़ी है लेकिन इसके बावजूद ये एडिशनल फेवर है अल्लाह कि उसने इसके बावजूद भी कि इंसानों को फितरत पर पैदा किया इसके बावजूद भी अल्लाह ने रसूल भेजे रहनुमाई के लिए और किताबों को भेजा और ये चीज़ हम देखते हैं कि ये जो फितरत वाली बात है ना कि हमें नज़र आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं यानी जैसे कि हम आसम के ज़माने में ही देख लें कि जब आसल्म को भी नबूवत नहीं मिली थी तो मक्का में भी उस वक्त हमें कुछ लोग ऐसे नज़र आते हैं जो कि शिक्क नहीं करते थे बुतों की इबादत नहीं करते थे और वो एक ही अल्लाह के मानने वाले थे यानी उनके पास कोई ऐसा जैसे दीन नहीं था कि अच्छा यानी जो है कोई बाकायदा किताब हो या कुछ हो लेकिन ये कि वो इस चीज़ पर कायम थे कि अल्लाह ताला की जात एक है और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए जैसे कि हज़र खतीजा रजी अल्लाह अंकल हैं वो भी हमें किसमें से पता चलते हैं कि हुफा में से हैं कि वो हक की तरफ माइल थे और इसी तरह देखें कि इब्राहिम की हमें मिसाल मिलती है कि उनको कोई बताने वाला नहीं था कोई समझाने वाला नहीं था आ, किस तरह से कि पूरी की पूरी कौम जो है उनकी शिरक करती थी लेकिन क्या था कि इब्राहिम इस के जिन्होंने अपने अंदर की फितरत को पहचाना और उसको मजबूती से पकड़ लिया इसकी पहचान जो है ना बेसिकली हर इंसान को जिंदगी में किसी ना किसी मौके पर होती है लेकिन क्या है कि इंसान अपनी फितरत को ना झटक देता है इग्नोर करता है दबा देता है और ये कि उस चीज़ को ले लेता है जो कि उसे अच्छी लग रही होती है जो उसको अट्रैक्ट कर रही होती है तो बेसिकली क्या है कि यानी इंसान को फितरत पर पैदा किया गया और रसूलों का भेजना किताबों का भेजना ये अल्लाह की एडिशनल फेवर है जो कि अल्लाह तला ने इंसानों पर की और फिर क्या है कि अल्लाह तला ने रसूल सल अलाम को मक्का की तरफ भेजा जहां पर के एक बहुत लंबे अरसे से पैगम्बर नहीं आए थे और उनकी इस हजत को यानी उन पर तमाम कर दिया गया कि वो ये बात ना कर सकें कि या अल्लाह हमारे पास तो कोई समझाने वाला कोई डराने वाला आया नहीं था अब क्या था कि फलम माँ बस जब हक को के आया उनके पास हक यानी कुरान आ गया मिन दिना हमारे पास से कौलू कहने लगे लौला क्यों नहीं ऊतिया दिया गया मिथिला माँ मूसा अब जब उनके पास कुरान आया हक की सूरत में अल्लाह तला की तरफ से तो उसको देख कर अब वो एतराज क्या कर रहे हैं कि अच्छा इनको मूसा सलाम की जैसी निशानियां क्यों नहीं दी गई जैसे मजदात जो हैं मूसा सलाम को दिए गए थे जैसे असा दिया गया था या दिबैदा दिया गया था तो उस तरह के मजदात उस तरह की निशानियाँ जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं दी गई बेसिकली उनका एतराज था और हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे इनका ये मजाक जो है ना यानी बहुत ही फनी किस्म का मजाक है कि बहुत ही फुलिशनेस हमें जो है ना उनकी नजर आ रही है कैसे लग रहा है कि जब इंसान के पास कोई बात ना हो तो आप बस कहीं से भी कुछ भी बात जो है ना कर जाते हैं कि जो मुंह में आया आप वो बोल देते हैं तो ये बात भी जो है ना उनकी ऐसी सी है अब अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि अवलम क्या नहीं यक फुरू, कुफर किया उन्होंने बेमा उसके साथ जो ऊतिया तिया मूसा दिया गया मूसा को मिन कबलू इससे पहले कौलू उन्होंने कहा सिहरानी दोनों जादू हैं एक दूसरे के मुवाफिक यानी एक दूसरे के मददगार व कौलू उन्होंने कहा इन्ना बेशक हम बिकुल्ली सबसे काफिरून मुनकिर हैं अब क्या था कि अब इनकी बात को हम देखते हैं कि यानी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अच्छा जो मुजात मूसा ने अपनी कौम के सामने पेश किए गए तो पेश किए थे उस जैसे मुजात आसम को जो है वो मिलने चाहिए थे तो उनको ऐसे लग रहा था कि अच्छा मूसा सलाम को जो मजाद दिए गए थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे और बहुत इस तरह के थे कि अगर हमें दिखाए जाए तो हम मान ले आए तो उनको ये बात बताई जा रही है कि जो मूसा को दिया गया तो है क्या कि जब मूसा सलाम ने अपनी कौम के सामने मोजात वो दिखाए थे तो वहां क्या हुआ था उसका यानी सब लोगों ने इनकार कर दिया था सबने क्या कहा था कि ये तो क्या है जादू है यानी मूसा सलाम ने जो कुछ भी दिखाया उसको उन्होंने क्या कहा कि ये तो सरासर जादू है ये तो खुल्लम खुल्ला क्या है जादू है तो बेसिकली बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि मोजात देख जो है ना लोग ईमान ले आते हैं या मोजाद की ताकत को देख कर जो है ना लोग ईमान ले आते हैं बात यह है कि जिनको नहीं मानना वो कुछ भी देख लें वो नहीं मानेंगे और जिनको मानना है उनके लिए छोटी सी बात भी जो है ना वो एनफ हो जाएगी कि हाँ ये सच्चाई है यानी सच्चाई को जो वो पहचान लेंगे तो पहचान लेंगे उसको ले लेंगे लेकिन जिसने नहीं मानना तो आप उसके लिए कुछ भी कर लें वो नहीं मानेगा तो यहां पर देखें एक बात उनको ये बताई जा रही है कि आप जो डिमांड कर रहे हैं कि मूसा सलाम के जैसे मौजात रसोल्लाम खुद मिलने चाहिए तो यानी हम ईमान लेकर आएंगे तो मूसा सलाम की कौम क्या ईमान ले आई थी नहीं फिर ने रिजेक्ट कर दिया था और दूसरी बात ये कि अच्छा अगर मूसा सलाम के जैसे मजात मांगते हो ईमान लाने के लिए तो क्या तुम मूसा सलाम को मानते हो यानी मुश्किल मक्का तो मूसा सलाम को नहीं मानते थे वो तो उनका उनका भी इनकार करते थे यानी बड़ी फुलिशनेस लग रही है कि आप एक ऐसी चीज की डिमांड कर रहे हैं जिसको कि राइट नाउ आप अभी उसका इनकार कर रहे हैं आप तो उसके मानने वाले नहीं है कि अच्छा मूसा सलाम की तरह के मुजात आए तो हम मानेंगे और फिर क्या है कि यानी मूसा सलाम ने भी अपनी कौम को दिखाया तो उन्होंने भी क्या किया था उनसे कुफर किया था और उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों जादूगर हैं अब सिहरान जो है दोनों जादूगर यानी दोनों से मुराद क्या है कि अगर हम मूसा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मूसा की कौम ने अः मूसा को और हारून सलाम को मोजाद के बाद क्या कहा कि ये तो दोनों क्या हैं जादूगर हैं और फिर क्या है कि अगर हम यानी देखें कि आसलम के उसमें देखें तो फिर क्या है कि आसुस को और मूसा को वो यानी अगर हम शकिन मुक्का के कॉन्टेक्स में इस बात को लें इस आयत को लें तो क्या है कि वो क्या कहते हैं कि ये जो मूसा सलाम है और ये जो आसलम है ये दोनों क्या हैं जादूगर हैं और एक दूसरे के मददगार हैं यानी एक ही चीज़ को जो है वो लेके चल रहे हैं और फिर क्या है कि वो क्या कहते हैं कि हम तो इन तमाम चीज़ों के क्या है? हैं मुनकर हैं कुल कह दीजिए तू पसले आओ बे किताब इन कोई और किताब मिन अल्लाह के पास से हुआ वो अहदा ज्यादा हिदायत करने वाली मिन हुमा उन दोनों से अब आप सजन से कहा जा रहा है कि अच्छा अब ये किसी बात पर नहीं आते तो इनसे ये कहो कि यानी कुरान को जुटलाते हैं और कहते हैं कि ये कोई हिदायत की किताब नहीं है और हम जिन चीजों को ले रहे हैं हम जिन चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है तो अगर ऐसी बात है तो आप इनसे कहें कि अगर तुम सच्चे हो तो एक ऐसी किताब लेकर आओ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ अहदा मिनहुमा जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत करने वाली हो इन दोनों से किस्से यानी तौरात और आ, कुरान से ज्यादा हिदायत करने वाली किताब है अल्लाह ताला की तरफ से अगर तुम्हारे पास वो किताब है तो फिर क्या हो, हो। मैं उसकी पैरवी करूंगा हूँ मैं उसकी पैरवी करूंगा यानी क्या है कि अगर तुम मुझे कहते हो कि कुरान हिदायत की नहीं है, तो को भी तुम नहीं मानते कुरान को भी नहीं मानते तो अगर तुम्हारे पास इनसे ज़्यादा बेहतर कोई गाइडेंस है तो मेरे सामने लेकर आओ अगर वो ज्यादा बेहतर है तो आई विल तो फर्स्ट वन कि मैं उसको ले लूंगा फ इन पस अगर लम हो ना वो कबूल करें लका आपके लिए यानी अगर आपके इस चैलेंज को वो कबूल ना करें ऑबियसली ना वो कबूल कर सकते थे ना ही इसको वो पूरा कर सकते थे फालम पस जान लो यानी आप इनसे ये बात करें कि अच्छा ठीक है इससे ज्यादा बेहतरीन मुझे किताब लाकर दो तो मैं खुद जो है यानी कुरान और तौरात को छोड़कर मैं खुद जो है उस किताब की पैरवी करूंगा जो कि अल्लाह की तरफ से आई है जो कि तौरात और कुरान से ज्यादा बढ़ हिदायत देने वाली है तो यानी से कहा जा रहा है कि आप इनसे कहें कि मैं खुद जो है उस कुरान उस किताब की जो है वो पैरवी करूंगा और फिर इसके जवाब में क्या कहा जा रहा है कि ये यानी ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे कि कुरान से बढ़कर जो है हिदायत की किताब जो कि अल्लाह ने इनको दी हो वो नहीं ये पेश कर सकते तो जब ऐसा नहीं कर सकेंगे फालम तो आप ये बात जान लें नमा बेश तबा वो पैरवी करते हैं अहम अपनी ख्वाहिशात की यानी अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो इसका साफ मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो कुछ उनके पास है वो बहुत बेहतरीन है इसलिए वो अपने बेहतरीन को छोड़कर आपकी चीज को नहीं ले रहे नहीं बल्कि बात क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं वमन और कौन अदलू ज्यादा गुमराह है उससे जिसने इतबा पैरवी की हवा हु अपनी ख्वाहिश की बगैर हिदायत के मिन की तरफ से यानी उससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो कि अल्लाह की हिदायत को छोड़ कर जो है अपनी ख्वाहिश के पीछे चले अब ये लोग जो है यानी हर बात हर तरह से यानी उनको दलाइल दिए गए बता भी दिए गए और इन रिटर्न हमने हर बार देखा कि उनके पास कोई जो है ना दलील नहीं होती थी कोई जो है ना वैलिड पॉइंट नहीं होता था और उससे बाद एंड रिजल्ट जो कंक्लूडिंग बात पता चल रही है कि एक्चुअली ये कुरान को क्यों नहीं ले रहे ये तबियन अहवा यानी जो कुछ ये कर रहे हैं जो कुछ इन्होंने जिंदगी में अपने तरीके अपना रखे हैं ये जो बुतों की पूजा करते हैं और शिर करते हैं और नजराने देते हैं और सब कुछ उन्हीं के लिए करते हैं तो ये सारा कुछ जो है ना इनकी ख्वाहिशात हैं ये सारी इनकी ख्वाहिशात हैं यानी बेसिकली ये बुतों का बनाना ये बुतों को सजाना संवारना और फिर बुतों के लिए मुख्तलिफ किस्म की रसुमात करना ये सारी कुछ जो है ना ये इनकी ख्वाहिशात हैं इनका ये सब कुछ करने का दिल करता है इनको ये सब कुछ करना अच्छा लगता है That's it. Otherwise, इनको खुद भी जो है ना इन चीजों में कुछ यानी वजन नजर नहीं आता कुछ सच्चाई नजर नहीं आती बस क्या है कि अच्छा लगता है अब ये चीज हमें ना बड़ी वियर्ड सी लगेगी कि हाउ कम कि आपको पता भी हो कि ये चीज सही नहीं है और फिर भी बस आपका दिल चाह रहा है तो हम कह रहे हैं कि फिर करते जाओ यानी ये पॉसिबल कैसे है कि आपको पता हो कि ये चीज़ गलत है लेकिन ख्वाहिश है तो ख्वाहिश की बुनियाद पर आप गलत काम को भी करते जाए तो इसकी एग्जाम्पल जो है ना हम अपने लिए यानी समझने के लिए कि ये क्या इंसान की यानी नेचर हमें नज़र आ रही है कि यानी ख्वाहिशात किस तरह से इंसान को कर देती हैं कि वो इस तरह के काम भी कर लेता है कि जानते हुए भी कि ये काम गलत है लेकिन बस करना अच्छा लग रहा है वो कर लेता है जैसे अगर हम देखें कि ये जो आ, आ, नशे की चीजें होती हैं, कौन है जिसको नहीं पता कि ये मुझे नुकसान देंगी ये मेरी सेहत को खराब कर देंगी मेरी सेहत को बर्बाद करके रख देंगी लेकिन ख्वाहिश अच्छा लग रहा होता है वो जो ड्रग्स लेना नशा करना ये अच्छा लग रहा होता है जानते हुए भी कि इसका नुकसान है इंसान अपनी ख्वाहिश के पीछे पीछे जो है उस काम को कर लेता है और इसके अलावा जिना देखें जिना में भी क्या होता है यानी आपको पता होता है कि ये गलत काम है लेकिन ख्वाहिश और इसके अलावा यानी अगर हम थोड़ी जरा छोटे लेवल पे आ जाएं हम अपने आप को रखें तो यानी क्या होता है कि जब हम ये खा रहे होते हैं जंक फूड खा रहे होते हैं स्वीट्स ले रहे होते हैं बेकार की चीजें खा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम ये जितना जो आ, ये स्पाइसी खाने हैं या फिर ये कि अनहेल्दी चीजें हैं तो पता होता है कि ये हमारी सेहत को नुकसान दे रही होती हैं तो फिर भी हम उनको लेते हैं कुछ लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि यानी हमें हर खाने के साथ जो है ना पेप्सी चाहिए हमें मजा ही नहीं आता यानी जब तक जो है ना यानी पार्टीज की बात नहीं है आम रूटीन में यानी एवरी डे, एवरी डे यकीन करें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खाना खा ले ना तो हमें बड़ा होता है कि अच्छा चाहे थोड़ी सी चाहे दो घूंट चाहे चार घूंट में लू यानी मेरा दिल करता है कि मुझे थोड़ी सी पेप्सी पीनी है तो ये क्या है ख्वाहिश है पता भी है कि बिल्कुल यानी शुगर है चीनी है मेरी और जो है ना सरासर नुकसान है लेकिन ख्वाहिश के बावजूद यानी क्या होता है कि ख्वाहिश की वजह से जो है उस चीज को वो करते रहते हैं अच्छा फिर एक और चीज भी ओवर ईटिंग को ले लें हम खाते हैं खाना पता होता है अच्छा हमें पता है कि पेट में जरा भूख रख कर खाना चाहिए और ओवर ईट नहीं करना चाहिए ओवर ईटिंग करेंगे तो जो है ऑब्वियसली हम अपने आप को तंगी में तकलीफ में डालेंगे लेकिन फिर भी क्या होता है कि अक्सर हम ओवर ईटिंग करते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाना खाया हुआ है कुछ सामने चीज आ गई हाय कितनी मजेदार कितनी अच्छी पेट फुल है अभी खा के उठे हैं लेकिन फिर ख्वाहिश है कि नहीं खा लो अब खाने के बाद चाहे हम फिर चक्कर लगाते फिरें, फिर हम तंग हों लेकिन क्या था कि ख्वाहिश की वजह से तो बेसिकली जो है ना ये यानी चीज बड़ी अहम है कि वहां पर वो सब कुछ जो कर रहे थे वो सिर्फ ख्वाहिशात बेस्ड था जानते वो भी थे कि ये बुत हैं बेकार हैं अपने हाथों से तो हम बनाते हैं ये क्या कर सकते हैं हमारे लिए लेकिन उनका बनाना उनका सजाना संवारना और उनके लिए नजरे देना नजराने देना ये सब कुछ उनको बहुत अच्छा लग रहा था उनकी ये ख्वाहिशात थी और अल्लाह सुबहाना तला फरमा रहे हैं सुबहानल्ला अल्लाह कितनी प्यारी बात है कि उससे ज्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले अल्लाह अल्लाबहाना तला की हिदायत को छोड़ कर अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे पीछे चलता है क्या होता है कि हमें पता होता है फजूल खर्ची है लेकिन ख्वाहिश नहीं बहुत अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं चार पैसे ज्यादा ही है बस बहुत अच्छा लग रहा है घर में ये पड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पर ये चीज रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सिर्फ ख्वाहिश होती है बहुत सारी चीजें अपने घर में नजर दौड़ाएं तो बहुत सारी चीजें जो है ना ख्वाहिश बेस्ड होती हैं उनका कोई फायदा नहीं होता कोई हमें उससे जो है ना यानी फायदा नहीं मिल रहा होता जस्ट दे आर सिटिंग देयर क्यों हमारी ख्वाहिश तो बेसिकली क्या है कि उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो कि अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले और फिर अल्लाह सुबह तो रहे हैं कि इला दिल कौमतम के अल्लाह सुबहान तालिम लोगों को हिदायत नहीं देता क्योंकि ख्वाहिशात के पीछे जब इंसान चलता है तो वो फिर दूसरी चीज़ को लेना नहीं चाह रहा होता अब ऐसी है ना कि यानी अ हिदायत जो है ना ये ऐसी चीज़ है बहुत ही कीमती चीज़ है बहुत ही कीमती चीज़ है बहुत ही प्रेशस है और ये जबरदस्ती किसी को नहीं दी जाती यानी क्या होता है कि वो किसी चीज की वैल्यू लेस होने को शो करता है ना कि आप किसी को दें और वो आपका हाथ झटक दे कि मुझे नहीं चाहिए आप फिर दें तो यानी नजर आ रहा है कि वो चीज़ जो है ना बड़ी एहमी सी है यानी लेस सी है कि आप दे रहे हैं अगला ले नहीं रहा तो यहाँ पर हिदायत जो है ना ये ऐसी चीज़ नहीं है ये जबरदस्ती किसी को नहीं दी जाती कि ऐसे नहीं है कोई लेना ना चाहे तो अल्लाह ताला जबरदस्ती हिदायत दें ऐसे नहीं होता जो जिसको हिदायत ही नहीं हिदायत किस तरह से मिलती है कि जब इंसान के सामने हिदायत आती है और अगर उसको यानी वो कबूल करने वाला होता है तो उसको फिर उसको कबूल करने की तोफीक जो है ना अल्लाह तआला दे देते हैं यानी हिदायत उसके सामने आती है और ये कि वो अगर उसको लेना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको इस बात की तौफीक दे देते हैं कि वो इस हिदायत को कबूल कर ले और अगर इंसान ख्वाहिशात के पीछे है तो फिर क्या है कि वो उसके सामने यानी साफ उसे नजर आता है कि ये चीज सही है ये दुरुस्त है लेकिन दिल कुछ और चाहता है तो वो लेना नहीं चाहता तो फिर अल्लाह सुभान व तआला उसको देते भी नहीं है तो यहाँ पर अल्लाह सुभान व तआला क्या फरमा रहे हैं और जालिमी कौन है जो कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं यानी दो बातें होती हैं दो ही रास्ते होते हैं दो ही चीजें होती हैं एक अल्लाह सुबहाना तरफ से हिदायत और रहनमाई होती है और दूसरी तरफ हमारा नफ्स होता है बातिल होता है हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो दोनों में से एक चीज जो है हमें चूज करनी होती है एक चीज़ के बारे में हमें डिसाइड करना होता है कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं तो बेसिकली क्या है कि जब इंसान अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है तो अल्लाह ताला भी फिर उसके पीछे पीछे हिदायत को लेकर नहीं आते ले, 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 ले नहीं बल्कि क्या है कि ला वो यदक करें अब क्या है अल्लाह सही है कि हमने जो है इनके लिए कलाम कैसे भेजा मुसलसल भेजा यानी कुरान जो है वहां पर अः तेईस साल के अरसे में मुसलसल जो है यानी हिदायत की बातें जो है वो आ रही थी उनकी तरफ क्यों था यह तदक अब ये देखें कि पहले भी हमने पढ़ा के पीछे भी बात हुई कि ये सारा कुछ क्यों अल्लाह सुभान व तआला कर रहे हैं रसूलों को भेजा जा रहा है किताबों को भेजा जा रहा है ताकि क्या है कि यह तदक कारून बेसिकली ये तीसरी बार इसकी रेपिटेशन हो रही है कि लाअल या तक करूँ ये सारी चीजें ये सब कुछ इसलिए कि किसी तरह से इंसान अपनी इस्लाह कर ले किसी तरह से अपनी आखरत को वो बचा ले अपनी आखरत को वो संवार ले अल्लादीना वो लोग के आते ना हम दी हमने जिनको अल आ किताब मनखब लिखी इससे पहले हम वो यानी कुरान से पहले की बात हो रही है कि इससे पहले जो है यानी वो लोग के जिनको के हमने कुरान से पहले किताब दी हम वो भी ही इस पर मिनून ईमान लाते हैं यानी अहले किताब की बात हो रही है कि कुरान से पहले उनको तौरात और इंजील दी गई तो अल्लाह साल फरमा कि उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कि क्या है कि कुरान पर भी ईमान लाते हैं व इदा और जब युतला पड़ी जाती हैं अलैहिम उन पर कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए बिही इस पर यानी कुरान पर इन अन, बेशक वो अलहकू हक है मेर हमारे रब की तरफ से यानी ये ये कुरान क्या है ये हमारे रब की तरफ से हक है इन न बेशक हम कुन्ना हम थे मिन कब ही इससे पहले अः मुस्लिमी फर्माबरदारी करने वाले अब अल्लाह तआला क्या फरमा रहे हैं कि यानी वो लोग जिनको के पहले किताब दी गई कुरान से पहले जो है किताब दी गई वो क्या है कुरान पर भी ईमान लाते हैं और जब उन पर कुरान पढ़ा जाता है तो कुरान को सुनकर वो क्या कहते हैं कि हम ईमान लाए इस कुरान पर क्यों क्योंकि ये कुरान क्या है हमारे रब ही की तरफ से भेजा गया है और ये क्या है हक है बरहक है और हम तो क्या है पहले ही से मुस्लिम मुसलमान है मुसलमान मीन के बरदारी के मीनिंग्स में आता है कि हम तो पहले से क्या है मुती और फर्मा हैं तो यहाँ पर जो है यानी अहले किताब की बात हो रही है कि जैसे कि हम देखते हैं कि यानी वो लोग जो के पहले तौरात और इंजील पर ईमान लाने वाले थे और उसके बाद उन्होंने कुरान पर भी ईमान ले आए तो क्या है कि उसमें जैसे हमें मिसालें मिलती हैं अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी तुम तो की मिसाल मिलती है जो कि ज्यूज के स्कॉलर थे और वो जहर सी बात है तोरात पर भी सही तौर पर अमल करने वाले थे और उसके बाद क्या था कि उन्होंने क़ुरान पर भी जो वो ईमान लेकर आए और इसी तरह से जो है यानी यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम तो पहले से ही मुसलमान थे यानी पहले से मुसलमान से मुराद क्या है कि यानी वो शख्स जो के अहले किताब में से वो लोग जो के अपनी किताब पर ईमान लाए और फिर कुरान पर ईमान लाए तो बेसिकली वो पहले भी मुसलमान थे और बाद में भी मुसलमान ऑब्वियसली कुरान के बाद भी वो मुसलमान है पहले भी जब तक वो तौरात पर ईमान रखते थे तब भी वो मुसलमान थे और बाद में भी मुसलमान क्योंकि बेसिकली ये जो नाम है ना ये जो यानी यहूदी और नसारा ये सब जो है ना यानी लोगों ने अपने आप को ये टाइटल दे दिए अल्लाह सुबहाना तै के हाँ आ, शुरू से सब क्या है मुसलमान है और मुसलमान कौन है जो अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर और उसकी भेजी हुई किताब पर ईमान लाता है तो वो मुसलमान है तो वो चाहे तौरात पर ईमान लाने वाला हो चाहे वो इंजील पर ईमान लाने वाला हो चाहे वो कुरान पर ईमान लाने वाला हो तो बेसिकली क्या कहते हैं कि ये कुरान जो है अल्लाह की तरफ से हक है और ये कि हम तो पहले से ही मुसलमान हैं यानी वो तो पहले से ही क्या थे अल्लाह साल के भेजे हुए पैगम्बर और उसकी किताब पर ईमान लाने वाले थे और जब अल्लाह तला ने रसूल को भेजा कुरान को भेजा तो भी वो उस पर ईमान ले आए पहले भी मुसलमान और बाद में भी मुसलमान ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह की पहली किताबों पर भी ईमान लेकर आए और फिर बाद में कुरान को सुनकर कुरान पर ईमान लेकर आए इका यही लोग हैं यु दिए जाएंगे अजरहूम उनका अजर मर्रत दोगना बिमा बसब उसके जो सबरू उन्होंने सबर किया वहरा ऊना और वो दूर करते हैं बिलह सनती भलाई के साथ बुराई को व मिम्मा और उसमें से जो रजाकुना हों दिया हमने उनको यूनफी खर्च करते हैं अब यहाँ पर जो है यानी ऐसे लोग जो कि पहले आ, क्या था कि यानी पहली किताबों पर ईमान लाए और उसके बाद कुरान पर ईमान लाए तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रहे हैं कि उनके लिए दोहरा अजर है अल्लाह यानी ऐसे लोगों के लिए दोहरा अजर है और ये चीज जो है हमें हदीस से भी पता चलती है कि जैसे कि हदीस में भी अः ये बात बताई गई है कि जो अः यानी अहले किताब जो कि मुसलमान होते हैं उनके लिए क्या है दोहरा अजर है और उसमें जैसे रसूल रसुल्ला ने तीन तरह के आदमियों का जिक्र किया कि जिनको दोहरा अजर मिलेगा और उनमें से एक कौन है यानी तीन लोगों के बारे में कहा गया कि उनको जो है ना डबल रिवॉर्ड है उनमें से एक कौन है कि वो यहूदी या नसरानी जो पहले अपने पैगंबरों पर ईमान रखता था फिर रसूल पर ईमान लाकर मुसलमान हो गया और बाकी जो दो और भी हमें पता चलते हैं वो क्या है कि एक वो गुलाम जो कि अपने मालिक का की तरफ से यानी उसकी ड्यूटी जो है ना पूरी पूरी अदा करता है और अल्लाह ताला के हकूक भी अदा करता है तो ऐसे गुलाम के लिए भी जो कि यानी जो दुनिया में उसका मालिक है उसका भी पूरा वो सारा अदा करता है और अल्लाह ताला का भी हक अदा करता है तो ऐसे गुलाम के लिए भी दोहरा अजर है और इसके अलावा एक ऐसे मालिक के लिए भी जो है आ, दोहरा अजर है कि जिसकी के कोई आ, फीमेल स्लेव है यानी कोई आ, जो है वो लॉन्डी है और वो लॉन्डी को क्या करता है कि उसको उसकी तालीमो तरबियत करता है उसको एजुकेशन देता है और उसको यानी अच्छी सी तरबियत करता है और उसको तालीम देता है और फिर ये कि उसके बाद उसको फ्री कर देता है आज़ाद कर देता है एक ऐसा मालिक जो कि अपनी लॉन्डी को उसकी तालीम भी देता है उसको उसकी अच्छी तरबियत भी करता है और उसके बाद उसको आज़ाद कर देता है और आज़ाद करने के बाद मजीद ये कि वो उसके साथ निकाह कर लेता है तो ऐसे शख्स के लिए भी क्या है दोहरा अजर है और आजाद करने के बाद भी देखें कि अगर आप उसको लॉन्डी को आजाद कर दिया फिर भी उसका स्टेटस तो चेंज हो जाएगा लेकिन मजीद वो उसको ऑनर किस तरह से दे रहा है सुबह अल्लाह उसको यानी आ, यानी उसका जो फ्री स्टेटस है उसको सबसे पहले खुद कबूल कर रहा है कि उसको अपने निकाह में ले आते हैं तो ऐसे शख्स के लिए भी क्या है दोहरा अजर है तो सुबहान अल्लाह यानी यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि किस तरह से यानी जिस तरह से एक प्रजेंट किया जाता है ना कि इस्लाम के साथ ये आ, स्लेवरी को बहुत ज़्यादा वो करके तो प्रॉपेगंडा किया जाता है तो एक्चुअली अगर हम देखें तो हमें कितनी ज़्यादा यानी इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं कि जिसमें जो ग़ुलाम हैं उनको बहुत ज़्यादा यानी राइट्स भी दिए गए हैं और फिर ये कि स्लेवरी को डिसलाइक भी किया गया डिसक्रेज भी किया गया और फिर इसको एंड करने के लिए भी इकदाम किए गए और फिर ये कि उनके साथ अगर कोई अच्छा सलूक करता है तो उस पर सुबहानला देखें कि डबल डबल रिवॉर्ड्स जो है वो दिए गए और हमें ये भी पता चलता है कि बहुत सारे गुनाहों का कफारा भी क्या था गुलामों को आज़ाद करना ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो उनको आजाद किया जा सके और अब यहाँ पर भी यानी वो अहले किताब जो कि कुरान पर भी ईमान लेकर आए आसलम पर भी ईमान लेकर आए उनके लिए भी क्या है दोहरा अजर है और वजह यहाँ पर क्या बताई जा रही है बीमा स्वरू के यानी ये चीज जो है ना ये जो कन्वर्जन जो है ना ये आसान नहीं है ये बहुत बहुत मुश्किल काम है यानी क्या है कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है ना इंसान को देखने पड़ते हैं कि जब आप एक यानी एक आपकी सेट लाइफ होती है एक सेट बिलीफ होता है उस पर आप चलते हैं और उसके बाद एक चेंज बिल्कुल जिसे कह लें कि उसमें चले जाएं तो बहुत सारी चीजें बहुत सारी मुश्किल बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और उन तमाम में से गुजरने के लिए सब्र जो है ना बहुत जरूरी होता है यानी एक तो क्या होता है कि खुद भी आप देखें कि हम यानी बचपन से जिन चीजों को हम इस्लाम के बारे में जो कुछ भी हम सुन रहे हैं जिन चीजों को हम करते आ रहे हैं तो उनको एकदम से छोड़ना और उससे एक डिफरेंट चीज को ले लेना यानी बेशक आप दिल से भी लें तो भी जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है कि आपकी पिछली चीजें जो है ना आपके अंदर बहुत रच बस चुकी होती हैं और बार बार इंसान जो है ना अपने उसी पिछले पे जो है ना पलटना चाहता है और फिर इसके अलावा ये भी होता है कि इर्द गिर्द से जो मुखालफत मिलती है जो लोग रिजिस्ट कर रहे होते हैं जिस तरह से लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और यानी बाइकॉट कर देते हैं बहुत सारी चीजों बहुत सारी चीजों से जो है ना आपको महरूम कर देते हैं तो सारी चीजों के लिए क्या चाहिए होता है सबर चाहिए होता है तो बेसिकली यानी उनके लिए जो जो डबल रिवॉर्ड है वो क्यों है कि इस वजह से कि वो अगर उन्होंने यानी इस्लाम लेकर आए तो उस पर क्या था कि साबित कदमी दिखाई और इस्तकामत के साथ जो है ना अपनी बात पर जो है वो जमे रहे और इस सारी चीज को करने में एस, एक और क्वालिटी उनकी बताई जा रही है कि वह विल हसन सही बुराई को भलाई के साथ वो दूर करते हैं ये चीज बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि उनके दीन की वजह से जब उनको क्रिटिसाइज किया गया उनका मजाक उड़ाया गया उनके साथ कुछ भी गलत किया गया तो उन्होंने उस बुराई का बदला बुराई के साथ नहीं दिया बल्कि क्या है भलाई के साथ दिया और ये चीज हमें जैसे एक वाक्य में भी पता चलती है के यानी जो है जब यानी कुछ लोग थे जो कि ये बेसिकली हिजरत जो हबशा की तरफ हुई थी उसके बाद की बात है कि जब मुसलमान वहाँ पर चले गए थे हबशा चले गए थे तो वहाँ से जो है फिर कुछ लोगों का यानी बीस के करीब लोग जो कि ईसाई थे सारे वहाँ पे ईसाई मजहब था तो बीस के करीब लोग जो हैं वो वहाँ मक्का आए टू सी कि अच्छा ये जो हमारे यहाँ मुसलमान आए हैं तो इन्होंने कहा कि हमारे पास एक पैगंबर आए हैं जो किस तरह से मक्का में है तो हम उन पर ईमान लेकर आए हैं तो ऑबियसली उसके बाद उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की तो सारी बात बताई तो अब वो लोग बेसिकली क्या था कि ये तहकीक के लिए आए थे उस इस्लाम के पैगंबर को देखने के लिए मिलने के लिए आए थे मक्का में और ये लोग जो के बीस के करीब थे ये जब आए और आसलम से मिले और उनसे गुफ्तु वैर की तो वहाँ पर जो मुश्किन मक्का थे बेसिकली वो भी जरा होता है ना कि अच्छा ले, लेट सी क्या कि तमाशा बनता है क्या रिस्पॉन्स होगा और क्या होगा तो सब कुछ देखने के लिए खड़े हो गए तो अब हुआ क्या कि आसलम ने जो है उनसे बातें की और उसके बाद उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया जिससे वो इतना ज्यादा मुतासर हुए कि उनकी आंखें जो है ना बह पड़ी आंसू जारी हो गए और उन्होंने बहुत ही यानी जबरदस्त तरीके से जो है ना आपकी तस्दीक की तायद की यानी बेसिकली ईमान लेकर आ गए और जब वो जाने लगे तो अबू जहल और उनके साथियों ने उन पर आवाजें कसना शुरू कर दी और तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी और एक बात जो उन्होंने की ही वो क्या थी कि ऐसे अहमकों का काफिला आज तक हमने से किसी ने नहीं देखा जो कि एक शख्स की तहकीक करने के लिए आए और अब उसके गुलाम बनकर और अपना दीन छोड़ कर जा रहे हैं यानी अबू जहल ने उनको क्या कहा कि ऐसे बेवकूफ ऐसे फुलिश इंसान हमने कभी नहीं देखे कि आए तो थे कि जरा तहकीक करने के अच्छा माजरा देखें क्या है और उल्टा क्या हुआ कि आकर जो है वो यानी आसलम के गुलाम बन गए और अपना दीन भी छोड़कर जा रहे हैं यानी कैसे ये अहमक लोग हैं कि करने क्या आए थे और जाते हुए क्या कर रहे हैं कि अपना दीन भी छोड़कर जो है ना इनके दीन को लेकर जा रहे हैं तो इस पर जो है ना उन्होंने बड़ा ही यानी जबरदस्त किस्म का जवाब दिया कि हमारी तरफ से तुम पर सलाम है और हम तुम्हारी जहालत का जवाब जहालत से नहीं देना चाहते जैसे कि आगे भी यानी इन्हीं के बारे में मजीद हमें पता चलेगा कि वह ईदा और जब सम वह सुनते हैं अल्ला बात आरदू मुंह फेर लेते हैं अनहू उससे वकॉलू और कहते हैं लना हमारे लिए आमा लुना हमारे अमाल वलकुम और तुम्हारे लिए तुम नबदगी नहीं हम चाहते जाहिलों को। बेसिकली क्या है कि जब भी अः एक तो हमें उनकी क्वालिटी नजर आ रही है कि सबर किया उन्होंने हर मुश्किल में और फिर जो भी तकलीफ जो भी बुराई उनको दूसरे लोगों की तरफ से मिली उसको बुराई को उन्होंने जो है वो अः अच्छाई के साथ दूर किया और सुबह अल्लाह यानी एक चीज मैं देख रही थी कि कोई आ, खातून थी जो कि अः ईसाई थी इंग्लैंड से आई थिंक थी तो मुसलमान हुई और उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली अबाया और निकाब हिजाब ये सब कुछ शुरू किया तो वो बता रही थी कि इस चीज़ को यानी बहुत ऑब्वियसली मुश्किल था उस के लिए इन तमाम चीजों को देखना कि जहाँ पर पे आपको आपके इस गेटअप की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है तो और सुबह अल्लाह यानी उसकी बात ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यानी क्या था कि उसने कहा कि जब भी मुझे कोई इस तरह से यानी करता कोई बात करता कोई आवाजें कसता तो मैं पीस भी अपॉन यू पीस भी अपॉन यू यानी जो है ना पीस भी अपॉन यू ब्रदर ये कह के जो है ना हट जाती थी यानी सुभान यानी ये चीज जो है बहुत कम आपको नजर आएगी कि कोई आपके साथ बुरा करे और आप उसके बदले में कुछ अच्छा कर जाए इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए बहुत हौसला चाहिए और बहुत बहुत ज्यादा सब्र चाहिए यानी हम थोड़ा सा ही देख लें कि अपनी हम अपनी जिंदगी में यानी डेली लाइफ में भी क्या होता है कि हम तो ये चीज तस्वर भी नहीं कर सकते कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम उसके साथ बदले में अच्छाई कर लें यानी यहाँ तक तो ठीक है कि हमारे साथ कोई बुरा करे तो हम बदले में शायद हो सकता है कि बुरा ना करें हम कहेंगे नहीं भाई तुम बुरा करते हो तो ठीक है हम बुरा नहीं करें लेकिन आगे बढ़कर यानी बुराई का बदला अच्छाई से दे देना ये अल्लाह बहुत ही जबरदस्त चीज है और फिर क्या था और इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो कि चीज़ारा शेयर करूं वो क्या थी कि उसने कहा कि बेसिकली एथियस्ट फैमिली से जो है ना उसका ताल्लुक था और जब उससे पूछा गया कि किस तरह से तुम में जो है ना यानी रिलीजन की तरफ आई ना तो उसने कहा कि मैं किसी रिलीजन की तलाश में नहीं थी मैं सच की तलाश में नहीं थी बल्कि था क्या कि यानी जैसे वो होते हैं ना जो कि कहते हैं कि अल्लाह यानी गॉड जो है एग्जिस्ट नहीं करता तो कहने लगी कि यानी कोई मुझे कन्विंस नहीं कर सका था 21 इयर्स की थी माशाल्लाह से यंग तो कह रही कि 21 इयर्स में मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सका था और मुझे ये हंड्रेड परसेंट था कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता और मुझे बड़ी सरप्राइज होता था कि हाउ कम के लोग ये बिलीव करते हैं कि गॉड जो है एग्जिस्ट करता है तो कहने लगी कि मैं इस चीज में निकली थी आगे आई थी कि आई विल प्रूव के अल्लाह ताला जो है एग्जिस्ट नहीं करते सुबह अल्लाह वो डिसक्रेडिट करने के लिए आगे निकली और देखें किस तरह से सुबह तला ने जो है उसकी रहनुमाई की और किस तरह से उसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम भी उसने किस तरह से कबूल किया कि यानी क्या था कि उसकी कोई फ्रेंड थी जो कि अरबिक थी तो वो कहने लगी कि ये अल्लाह का नाम बस मैंने उसके मुंह से जो ना आ, सुना हुआ था तो बस सिर्फ अल्लाह अल्लाह बहुत सुना हुआ था तो उसके बाद क्या था कि उसे कुछ यानी चीजें पता चली कि अच्छा इस्लाम में ये चीजें जैसे अल्लाह ताला को सबर पसंद है अल्लाह ताला को ये पसंद है अल्लाह ताला को ये पसंद है तो उसने जस्ट ऐसे ही कि अच्छा जो कुछ अल्लाह ताला को पसंद है उसने उन चीजों को उन बातों को उन अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया यानी अगर सबर की बात है तो उसने कहा कि अच्छा जब कहीं पे कुछ हालात इस तरह से होते थे तो मैं कहती थी, थी कि अच्छा अल्लाह लाइक्स पेशेंट तो ओके आई विल बी पेशेंट तो कहने लगी कि जब मैंने जस्ट इस तरह से चीजों को अप्लाई किया तो मैंने देखा कि चीजें मेरे सामने जो है ना यानी बड़े ड्रास्टिक मैनर में जो है ना चेंज होना शुरू हो गई थी तो सुबह अल्लाह इस तरह से आहिस्ता सा आहिस्ता जो है वो यानी इस्लाम की तरफ आ गई तो बहरहाल यानी क्या है कि किसी की बुराई को भलाई के साथ दूर करना ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की क्वालिटी है और फिर क्या है कि यानी वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए और ये के यानी सलामती के साथ जो वो अलग हो जाते हैं यानी बेकार की जो है उन्हीं की तरह के वापसी उनको जवाब नहीं देते उन्हीं की तरह की उनको पलट कर जो है वो आंसर नहीं देते बल्कि क्या है कि क्या, क्या कहते हैं कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए और हमारे अमाल हमारे साथ हैं सलाम सलामकुम सलामती तुम पर ला नब तिल जाहलीन यानी हम तुमसे उलझना नहीं चाहते तो अल्हदुल्ल यहीं पर हमारा लेसन जो है वो एंड हो गया तो इनशाला क्लास जो है वो एंड करते हैं

oh <laughs>